नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों के लिए जाने जाने वाले महेश भट्ट भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और बेहतरीन स्क्रीन राइटर हैं। उनकी शुरुआती निर्देशन करियर के दौरान उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी हैं, तो वहीं उनकी लाइफ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रही है, खासतौर पर रिश्तों को लेकर। आइए आपको बताते हैं महेश भट्ट की ये बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल कहानी। बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार भी गर्म रहता है, ऐसे में सेलिब्रिटीज को लेकर तरह तरह की खबरें भी आती रहती हैं, फिर चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ। तो ऐसे में महेश भट्ट को लेकर भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज सुनने को मिली। सोर्सेस की माने तो महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट के बारे में इस तरह की खबरें आ चुकी थी कि वो महेश भट्ट और पूजा भट्ट की बेटी है। हालांकि ये सारी खबरें केवल अफवाह हैं। यकीनन ये कितनी विवादास्पद बात रही होगी। जरा सोचिए, बहन आलिया को बताया जाता था पूजा भट्ट की बेटी। खबरों की माने तो आलिया ने अपने बारे में जब ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। आलिया भट्ट से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे उस समय बेहद हैरानी हुई जब मैंने पढ़ा कि मैं पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी हूँ। ये पूछा गया करण जौहर के शो कॉफी विद करण में, जब रैपिड फायर राउंड में आलिया भट्ट से पूछा गया कि उन्होंने सबसे एक्साइटिंग अफवाह के बारे में कौन सी बात सुनी, तो उन्होंने यही कहा कि मैं पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी हूँ। ये सुनकर वो बेहद हैरान थी। आपको बता दें कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट के बारे में कई तरह की अफवाहें सुनने में आ रही थी। 80 के दशक में पूजा और उनके पिता महेश भट्ट ने एक मैगजीन के कवर के लिए लिप किस भी किया था, जिसके बाद वो फैंस के निशाने पर आ गए थे। इतना ही नहीं, सोर्सेस की माने तो महेश भट्ट ने पूजा के लिए एक विवादित बयान भी दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। आपको बता दें कि महेश भट्ट ने 20 साल की उम्र में लॉरेन ब्राइट से शादी की, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर किरण भट्ट कर लिया। दोनों के दो बच्चे पूजा भट्ट और राहुल भट्ट हैं। बाद में 1986 में अभिनेत्री सोनी राजदान से उन्होंने शादी कर ली। तो इस तरह ये अफवाह सुनने को मिली जो बेहद अजीब थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।